फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हरियाली और पोला तिहार की बहुत बहुत बधाई। और अगर मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहूँ तो आप लोगों को हरेली तिहार के बहुत बहुत बधाई, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो फ्रेंड्स, आज तिहार का दिन है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो है इस हरियाली तिहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसे कहा जाता है किसानों का त्यौहार। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब धूमधाम से मनाया जाता है देहात में ये त्यौहार को। तो आजकल जो है सभी जगह लोग मनाने लग गए हैं और हमारे इधर भी अगर मैं बात करूँ आसपास की पड़ोस की, तो सभी लोग जो है ये हरेली और पोला का तिहार जो है वो मनाते हैं। तो सोचा कि आज मैं भी कुछ घर पर मतलब पकवान बना लूँ और हरेली तिहार मनाया जाए, एंजॉय करते हैं। आप लोग क्या क्या बना रहे हैं आज की हरेली एंड पोला तिहार में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी बना रही हूँ सब्जी, जिसमें करेले वगैरह की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में मैंने दाल वगैरह बिगा दिया है, तो मैं सोचती हूँ थोड़े बहुत बड़े पकौड़े वगैरह बनाया जाए। तो आगे वीडियो को ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। क्या चल रहा है सर? गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप बनाओगे करियो की सब्जी? अच्छा ठीक है। और ये देखिए रेंजर को, रेंजर क्या कर रहा है उधर, तो सुबह से सब्जी सुधारी जा रही है। फ्रेंड्स, आप लोग भी खाते हैं क्या करियो सब्जी, बताइएगा। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग रेंजर, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करियो की सब्जी बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है करियो की सब्जी। अगर आप लोग भी खाते हैं करियो की सब्जी तो ज़रूर पता होगा आप लोगों को। तो बड़ा वगैरह बनाने के लिए मैंने जो है दाल वगैरह पीस कर सब रेडी कर लिया है, काट वगैरह करके, और जल्दी से बस बड़े बनाना है और रेडी करना है। तो ये सब बनाने में काफ़ी टाइम तो निकल ही जाता है, साथ में खाना भी बनाना है। और ये देखिए मैं जो है फ्राई कर रही हूँ पकौड़े बड़े। पहले सर पकौड़े खा। तो सर जो है मोबाइल में बिजी है अभी, तो पकौड़े खाइए। ये देखिए तैयार है पकौड़े और साथ में खाना भी स्टार्ट हो गया है। शाम का टाइम है तो सबको भूख भी लगी है, तो नाश्ते की तरह सभी पकौड़े ही खा रहे हैं। तो रेंजर की यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, बात सुनता है कि नहीं सुनता है। तो ये देखिए रुद्र जो है उसको सिखा रहा है और काफ़ी अच्छा है रेंजर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बात सुनता है। बाकी इसको बहुत ज़्यादा ट्रेन हम नहीं करते हैं, बिल्कुल फ्री रहता है घर पर, बिल्कुल मतलब बंधा हुआ नहीं रहता, अपने से बैठता उठता है, घूमता है हर जगह, तो बात भी सुनता है वो। बहुत ही प्यारा बच्चा है। खाना बनकर रेडी हो गया है और ज्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है, बस पुलाव बनाए हैं, बघारी दाल बनाई है, पापड़ वगैरह फ्राई कर लिया है, यहाँ पे अंडे का आमलेट है, सैलेड है और पकौड़े जो मैंने बनाए थे। तो उस टाइम में जो है पकौड़ा मगर खाना स्टार्ट कर दिए थे, तो बस इतना ही बचा है, आधा जो उसी टाइम खा लिए शाम के। तो अभी अपन लोग मस्त खाना खाने वाले हैं बैठ के, और आप लोग भी आराम से। तो चलो फ्रेंड्स, अपन खाना खाते हैं और आप लोग भी खाना खा लीजिए, आराम से मिलते हैं बाद में। बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे तो, और रेंजर भी जो है खाने का इंतज़ार कर रहा है और इधर रुद्र भी जो है खाने का इंतज़ार कर रहा है। भूख लगी ना, ज़ोर से भूख लगी है। ठीक है चलो खाना खा।